दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन अंतिम समय पर शुभमन गिल ने मारा एक ऐसा छक्का जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा तेंदुलकर के भी उड़ गए होश। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले दो मैच में भारत की हार के बाद तीसरा मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर न्यूजीलैंड की टीम को 235 रन पर ऑल आउट कर दिया और इसका पीछा करते हुए भारतीय टीम ने तेजी से रन बनाकर बल्लेबाजी की। इस दौरान शुभमन गिल काफी ज्यादा दिक्कत में दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी के दौरान एक ऐसा छक्का लगा दिया जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया था। दरअसल शुभमन गिल को बार बार सर में गेंद गेंदबाज मार रहे थे, जिसके चलते बार बार फिजियो को मैदान पर आना पड़ा। ऐसे में उन्होंने गुस्से में आते हुए गेंदबाज ग्लेन फ्लिप्स को अपना निशाना बनाना पड़ गया और उन्होंने 15 ओवर में तीसरी गेंद पर फ्लिप्स के सामने मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का लगा दिया, जिसको देखकर ड्रेसिंग रूम में मौजूद लोगों के होश उड़ गए। इतना ही नहीं, स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी खड़े होकर छक्के को देखने लगे, तो वही स्टेडियम में मौजूद सारा तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर ने भी इस शॉट की तारीफ करते हुए खड़े होकर तालियां बजाकर इस शॉट की सराहना की, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शुभमन गिल इस मैच के अंदर शतक लगा पाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।